आई एम वन ऑफ द इंडियन अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके सामने जो बातें कहने जा रहा हूं वो रिसेंटली स्टेटमेंट्स के ताल्लुक से हैं। बीजेपी के कुछ स्टेट्समैन हम सुने हैं, बंगाल का एक जो मिनिस्टर था बीजेपी का, वो बयान देता है और कहता है कि हमने जामिया मिल्लिया और फिर उत्तर प्रदेश में लोगों को भगा भगा कर कुत्तों की तरह मारा है। इसी तरीके से ये जो योगी है ये भी कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे जो पैदा करने का इनका तरीका है, ये गोया कि इन्हें जानवरों की तरह पैदा करते हैं। और उसी तरीके से ये चाय वाला कहता है कि उसको जो है दर्द होता जब कुत्ता उसके गाड़ी के सामने मर जाता है। तो मेरे को इन तमाम स्टेट्समैन को देखने के बाद पता चलता है कि ये बीजेपी के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, ये लीडर हैं, इनको इंसान इंसान नजर नहीं आता बल्कि कुत्ता नजर आता है। इसीलिए इनकी जो सोच है बार बार कुत्ते की तरफ जाती है और बताती है कि इनकी सोच के अंदर खराबी है, ये कुत्ते वाली सोच है। दूसरा और एक जो बात हमारे सामने बात यहाँ पे बार बार आ रही है CAA और NRC के ताल्लुक से, रिसेंटली चाय वाला हमारे कर्नाटक में आता है और आकर हमारे स्वामी जी से ये दरख्वास्त करता है कि साहब CAA ये लोगों को लेने का कानून है, निकालने का नहीं है। ये तो हमको भी समझ में आता है, हम इतने भी गए गुजरे नहीं है। कर्नाटक का लिटरेसी रेट 74% आज की डेट में हमारे पास है, तो हम इंडिया का कर्नाटक का उससे बेहतर है। तो यहां आपको जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि CAA के जरिए जो बात बोल रहे हैं हमारे को उससे कल कभी इत्तेफाक ये नहीं था कि भाई आप इनको क्यों ले रहे, बल्कि हम आपसे सवाल करते हैं कोई भी गवर्नमेंट हो, अब तक इतने जो लोग यहां पर आके रहे उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दी। हमारा जो असल सवाल है वो NRC के जरिए CAA के जरिए से लोगों को अंदर लिया जाए और फिर NRC के जरिए माइनॉरिटीज को, बहुजन समाज का जो हिस्सा है, उनको यहां से निकाला जाए। इसके हम बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ हैं? आप क्यों निकालना चाहते हैं साहब? आप 15 करोड़ की बात, 15 लाख की बात कर रहे थे, आप दिए 15 लाख? अरे सबसे झूठे इंसान आप तो। इसी तरीके से 1 करोड़ लोगों को जॉब देने का बोले थे, आप दिए? और दुनिया के अंदर शिक्षा का सबसे बड़ा गुरु बनाने की बात करे थे, आज आप बजट में जो है कम कर देते, ये क्या है? ये काम तो आपसे हुए नहीं, इसमें तो आप पूरे झूठे साबित हुए। और दूसरा आप बोले थे कि जाकर पैसा हम फला फला बैंक से लेकर आएंगे और वो 15-15 लाख एक एक आदमी के अकाउंट में डालेंगे, वो तो आपसे हो नहीं सका क्योंकि आप मजबूर इंसान है, आप चाय बेचने वाले शख्स थे। उसी तरीके से स्टूडेंट्स का मामला क्या रहा, स्टूडेंट्स के अंदर, जामिया के अंदर, इसी तरीके से अलीगढ़ के अंदर और JNU में ये पुलिस जिसका काम लोगों की हिफाजत करना है ये दलाली करती है, लोगों को घुस घुस कर मारती है, इसकी जिम्मेदार कौन है? ये वही तड़ीपार शख्स है। अरे जब आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं है तो ये स्टूडेंट से क्या अहमियत समझता है? ये जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है इसके खिलाफ आप तमाम इंडियंस को आगे आना होगा। अगर आज की डेट में आप आगे नहीं है तो आने वाले दिनों में आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा यहां ब्राइट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? NRC के जरिए माइनॉरिटीज स्पेशली मुसलमानों को टारगेट बनाकर एक विलियन की शक्ल में ये विलियन पार्टी इन मुसलमानों को पेश कर रही है ताकि फिर नेक्स्ट दिनों बहुजन समाज, SC ST और दूसरे लोग जो हैं उनको भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सके, ऐसे उनको निशाना बना सके। साहब अब्राहम लिंकन आया अमेरिका में तो वहां पे आजादी लाया, कोफी अनन यहां हमारे अफ्रीका में आता है, ये अलग जो है लोगों को आजादी दिलाता है। ये कैसा PM है जो अच्छे दिन की बात कर बुरे दिन लाता है? और इसको इतना दर्द है मुसलमानों का, खासकर औरतों के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में बोला था कि मित्रों मेरी बहनों आप कहां हैं? वो बहनों 1 महीने से आपके शाहीन बाग में वहां पे लेडीज बैठे हुए हैं, इनका आप एक बार तो नोटिस लिए? मनमोहन सिंह को बोलते थे स्मृति जी एक्टिंग आपकी बहुत अच्छी है, पार्लियामेंट में तो आप चल नहीं पा रही हैं, आपकी एक्टिंग अच्छी है, चूड़ियां भेजने वाले थे, अब हम इन चाय वाले साहब को भेजना क्या चूड़ियां, क्योंकि अब इनका मुंह खुल रहा नहीं। मनमोहन सिंह को बोलते थे मोहन सिंह, अब आपका मुंह बंद क्यों है? तो हमारी आपसे गुजारिश तमाम इंडियन से यह है, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट देखना चाह रहे हैं तो आप खुलकर इस हुकूमत के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ आइए, इसलिए कि इनकी जो सोच है ये सोच के हिसाब से अंग्रेज इंडिया के अंदर आए, यहां हुकूमत करके चले गए, अब लोगों को गुलाम बने, मगर इन्हों भी क्या चाहते हैं
कि माइनॉरिटी को टारगेट कर माइनॉरिटी को एज ए विलियन पेश करके ये दलाल मीडिया के जरिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके जरिए माइनॉरिटी को विलियन के हिसाब से पेश करके फिर से इन्होंने जो है पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का सिस्टम लाना चाहते हैं। इसीलिए हम इस कानून के टोटली अगेंस्ट हैं। और एक बार मैं एज ए टीचर मेरा काम है लोगों को पढ़ाना, लोगों को प्रॉपर गाइड करना, 100% गाइड करते हैं। और साथ ही साथ तुम उन टीचरों को भी मारे हैं जो लोगों को स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे। ये काम इंतहाई गलत हुआ है। स्टूडेंट्स लड़कियों के ऊपर तुम उनके सर फोड़े हैं, ये काम उससे भी ज्यादा गलत हुआ है। और तुम्हारा मिनिस्टर तुम्हारा MLA लड़कियों के साथ उनकी इज्जत लूटता है, उनके साथ रेप करता है। तो कहां है मोदी साहब? आपको बहुत दर्द है ना? लेडीज का ट्रिपल तलाक के टाइम तो बहुत पेट में दर्द हो रहा था, आप खुल खुल के आ रहे थे। अब शाहीन बाग के उतने लड़कियां बैठे हुए हैं, उतने लेडीज बैठे हुए हैं, अब आपका मुंह बंद क्यों है? और दूसरी बात, गुजरात के अंदर उतने लोगों के साथ रेप हुआ, अब तक आपके मुंह से एक जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। निकला तो कुत्ते का पिल्ला बोल के वहां पे आप एग्जांपल दिए, उसी वक्त आपकी ज़हनियत हमारे समझ में आ गई थी। और एक जो अहम बात वो ये है कि जब से देश आजाद हुआ खाली बहुजन समाज और उसमें भी मुसलमान को ही टारगेट क्यों बनाया जाता? जब देश आजाद हुआ तो फसादात के जरिए वहां टारगेट बनाया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप देखते हैं और मैं देखते हैं कि फिर अलग अलग सिचुएशंस में जो ग्रेजुएट थे ग्रेजुएट्स को टेररिज्म से जोड़कर उनकी जिंदगियां बर्बाद की गई, फिर उसी तरीके से इनकाउंटर के जरिए लोगों को कत्ल किया गया। ये पूरा टारगेट वाइज करके अब हद हो गई है कि आप NRC के जरिए इनो स्पेशली माइनॉरिटीज को इस देश से निकालना चाह रहे हैं। इनो अपना खेल खेले आसाम के अंदर, वहां तो फेल हो गए, वहां तो इनो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाह रहे थे। वहां एक कल्चर की एक जबान की बात हुई, एक अपने हिस्से की बात हुई, तो वहां फिर पता चला कि इन्हों वहां फेल हो गए। अब वो पूरी परेशानी इन्हों पूरे देश के ऊपर ला रहे हैं। हम जो लोगों को देश में ले रहे हैं, मैं एज ए इंडियन एज ए माइनॉरिटी एज ए बहुजन समाज एज ए मुस्लिम इंडियन मुस्लिम बोल रहा हूं कि हम CAA के जरिए से जो लोगों को अंदर ले रहे हैं हम उनको दिल से वेलकम करते हैं। मगर ये NRC के जरिए तुम मुसलमानों को खासकर उसके बाद SC ST को जो तुम टारगेट करने वाले हैं इस कानून के हम टोटली खिलाफ हैं, टोटली अगेंस्ट हैं। और एक मेरा लास्ट ये सवाल ये है, जितने भी कांग्रेस है समाजवादी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, आप लोगों को क्या चूड़ियां भेजना पड़ेगा कि आप टोटली खामोश हैं? ये मुसलमानों को निकालने का खासकर चाल चली जा रही है। इस चाल को रोकने के लिए ना हमारे पास कोई लोकल लीडर उठता है, ना कोई इसी तरीके से स्टेट लीडर और ना कोई नेशनल लीडर आ रहा है। तो मेरी तमाम सेकुलर पार्टियों से गुजारिश है कि आप सामने आइए, अगर इस दफा आप साथ नहीं दिए तो याद रख लीजिए इमरजेंसी के टाइम ये हिंदुस्तान देखा था नई लीडरशिप, और एक बार देखेगा तुम्हारी मक्कारी, तुम्हारी ये जो दोखलापन है मुसलमानों को इस्तेमाल करने का। अब तक तुम 70 साल तक पूरे के पूरे ये सेकुलरिज्म के नाम पर हमको इस्तेमाल करे, और अब ये चाय वाला इन आकर और वो तड़ी पर आकर इनो फिर हमारे मुसलमानों को इस्तेमाल करते हुए इनका नाम लेकर पूरे हिंदुओं को डरा रहे हैं। तो ये मैं आप तमाम को मैसेज देना चाहता हूं कि कम फॉरवर्ड तमाम इंडियंस को, तमाम स्पेशली इंडियंस को ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कम फॉरवर्ड अगेंस्ट दिस ब्लडी क्रूएल सिस्टम। इट इज गोइंग टू किल द फ्रीडम, इट इज गोइंग टू वैनिश द डेमोक्रेसी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज ए ग्रेट थ्रेट टू द सेक्युलरिज्म। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, ए हट कहेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अगर जाना रहता रिलीजन के नाम पर वो देश बना है, हिंदुस्तान सेक्युलरिज्म के नाम पे बना है। हम यहां सेक्युलर हैं और यही रहेंगे। रही बात NRC के जरिए, वो तड़ीपार या फिर ये चाय वाला अगर हमको निकालना चाहते तो मैं तमाम माँ बाप से गुजारिश करता हूं, हमारी औलाद हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। अपने औलाद का अगर आप फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं तो ये बात बात करे तो कुत्ता कुत्ता कुत्ती कुत्ता कुत्ती ये जो बोलने वाले लीडर्स हैं इनके अगेंस्ट आइए। अगर अब इनके अगेंस्ट नहीं है तो आने वाले दिनों में जिस तरह अंग्रेज लोग जो है इस हिंदुस्तान को गुलाम बने, इन्हों भी अपने मनुस्मृति या फिर हिंदू राष्ट्र के जरिए पूरे लोगों को गुलाम बनाना चाहते। टारगेट फर्स्ट एज ए विलियन इन्हों मुसलमान को पेश कर रहे हैं,
बाद में एससी एसटी और पूरे रिलीजन के लोगों को भी ये वही करने वाले हैं। तो मेरी और एक बार गुजारिश है, ये वक्त सोने का नहीं है और ये वक्त बिके हुए इंडियन मीडिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके डरने का भी नहीं है और उस पुलिस से भी डरने का नहीं है जिसका काम हमारी हिफाजत करना है, लीडरों की दलाली नहीं करना है, इनसे भी डरना नहीं है। मेरी तमाम इंडियन से गुजारिश है, कम अगेंस्ट दिस ब्लडी, दिस क्रूएल, दिस डेंजरस सिस्टम विच इज गोइंग टू बिकम ए थ्रेट टू द डेमोक्रेसी, टू द इंडिया विच इज कॉल्ड द सेकुलर कंट्री। आई रिक्वेस्ट कम फॉरवर्ड, आज अगर आप आएंगे तो कल आपके बच्चों का फ्यूचर इंशाल्लाह इट विल बी द ब्राइटेस्ट और हम हिंदुस्तान को खाली बातों का जुमलिस्तान नहीं, इंशाल्लाह हिंदुस्तान को हम पूरी दुनिया का 100% एक गुरु बनाएंगे। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो समझिए, गौर कीजिए और एक बार मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कम अगेंस्ट दिस सिस्टम विच इज गोइंग टू डिवाइड द इंडिया इन द डिफरेंट रिलीजन्स। थैंक यू वेरी मच, सलाम अलैकुम हिंदुस्तान।